जय माता दी। दोस्तों, आपके भीतर बैठी हुई माता रानी को, भगवान को प्रणाम करता हूं। 13 अप्रैल 2021 से माता जी की चैत्र नवरात्रि आरंभ हो रही है। नवरात्रि में कैसे पूजा करें, बहुत से विधान हैं, अलग अलग से विधान हैं। 24 आवर लगे रहेंगे तो भी विधान पूरे नहीं होते, और 24 मिनट में भी आप माँ के चरणों में बैठ जाएं तो माँ की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आप व्यस्ततम जीवन में कैसे माँ की कृपा कर पाएं, प्राप्त कर पाएं, कैसे शिव शक्ति की कृपा प्राप्त कर पाए, इसके लिए कुछ मैं कहना चाहता हूं। आप अच्छे साधक बन गए हैं, बाहरी तौर पे आप भगवान का, मां का श्रृंगार करना जानते हैं, पर अंतर में जो आपके मां बैठी है, उसकी शक्ति बैठी है, उसको जागृत करना है। वो आप सबके बीच में है। चैत्र नवरात्रि शिव शक्ति को प्रसन्न करने वाली नवरात्रि है। चैत्र नवरात्रि जैसे पीछे गुप्त नवरात्रि अभी गई है, अपने आप को रिचार्ज करने वाली नवरात्रि है। चैत्र नवरात्रि मां की कृपा का प्रसाद प्राप्त करने वाली नवरात्रि है। आप मां की पूजा करते हो, मां का श्रृंगार बहुत अच्छा करते हो, मां के लिए दिन रात एक कर देते हो, पर उस मां की शक्ति को महसूस नहीं करते आप। जिस दिन आप उस मां की शक्ति को महसूस कर लोगे, मां की शक्ति का एहसास कर लोगे, आप मां के आगे जो जल पड़ा होगा ना, उसको भी व्यर्थ नहीं जाने दोगे, क्योंकि मां ने उसको ग्रहण किया है। और मां दोस्तों सच में ग्रहण करती है। मां का प्रसाद खाने से गूंगे भी बोल पड़ते हैं, मां का प्रसाद खाने से दरिद्रता का विनाश होता है, मां का दीपक जलने से कई जन्म जन्मांतरों के अंधकार दूर होते हैं। आप महसूस करें, भावना से फील करें कि हम उस राज राजेश्वरी मां के बच्चे हैं, हम मां दुर्गा के बच्चे हैं, मैं मां दुर्गा की बेटी हूं, मैं मां महाकाली जी का बेटा हूं। अगर मैं इतनी शक्तिशाली शक्ति का बेटा हूं, इतनी शक्तिशाली शक्ति का बच्ची हूं मैं, तो मुझे क्या हो सकता है? फिर मैं क्यों दूसरों का आसरा ढूंढ रहा हूं? मैं क्यों दर दर भटक रहा हूं? जब मेरा गुरु मेरे साथ है तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मेरी मां मेरे साथ है तो मेरा प्रबंध वो करेगी, उसकी जो मैनेजमेंट है वो सबसे बड़ी मैनेजमेंट है, वो मेरे लिए सब कुछ कर देगी। जब तक आपको इस चीज का एहसास ना हो, इस चीज की फीलिंग ना हो, मन से फीलिंग ना आए, मन से भावना ना आए, तब तक आप पे मां की कृपा नहीं हो सकती। आप किसी मंदिर में जाते हैं नवरात्रि में दर्शन करने के लिए, कुछ लोग रोज पालन जाते हैं, आप किसी सत्संग में किसी आश्रम में जाते हैं, आप अपने गुरु स्थल में जाते हैं, तो सबसे पहले आप वहां की सफाई करें, वहां की क्लीन करें। आप ऐसा महसूस करें कि वहां जरे जरे में मां की शक्ति का निवास है। मैं एक सच्ची घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कोई
12-15 साल की बात होगी, चंद्रेश मेरा बेटा वैष्णो माता जी के दर्शन करने के लिए गया। ये सच्ची घटना है दोस्तों, वो हर साल माँ के चरणों में दर्शन करने जाता है। वहां पहुंचा, वहां उसके साथ उसके फ्रेंड भी थे, उसको हिचकी आने लगी बहुत ज्यादा। इतनी हिचकी आने लगी कि उसको लगा कि मुझे दर्शन करने भी मुश्किल है, बात करना भी मुश्किल है। उसके साथ वहां के कोई पंडित जी थे, उन्होंने कहा बेटा तुम्हें दर्शन करने मुश्किल हो रहे हैं, तू थोड़ी रेस्ट कर, कोई मेडिसिन ले तो ठीक होएगा, फिर दर्शन करना। वहां पे कोई आर्मी का व्यक्ति ड्यूटी दे रहा था, वो सीधा उसके पास आया, बोले क्या हो रहा आपको? बोले बोला नहीं, उसने देखा हिचकी आ रही, बोले जो माँ का जल आ रहा है इसको पी ले, ठीक हो जाएगा। जो दूसरा व्यक्ति साथ में था, इसका दोस्त भी साथ में था, बोले चंद्रेश और बीमार हो जाएगा तू, पर इसके मन में एक आस्था विश्वास श्रद्धा थी, इसने आर्मी वाले भाई साहब का कहना माना, जल पिया, विदिन 2-3 मिनट में हिचकी गायब। उसके बाद इसने दर्शन किए, उसके पश्चात जे और माँ का भक्त हो गया। और आने के पश्चात जब वापस आया जहाँ न्यूयॉर्क, तो इसकी बैंक की जॉब थी, बोले मुझे पापा जॉब नहीं करनी है, मुझे अब स्पिरिचुअली सिखाओ कि मैं कैसे आगे बढ़ जाऊँ। और उसके पश्चात और भक्ति में चला गया, आज अपना कर रहा है, और भी भक्ति में जाने की कोशिश कर रहा है। पर जे दोस्तों, माँ की शक्ति तो वहाँ थी, उसको हम ग्रहण कैसे करेंगे, उसको महसूस कैसे करेंगे? वो माँ की महिमा है, जैसे अलग अलग रूप से वो करवाती है। तो आप इस बात को मत भूलें कि हम माँ के बेटे हैं, माँ की बेटी हैं। और जो चीजें नवरात्रि में करते हैं उनको करना चाहिए, माता जी के ज्वारे लगाना, माता जी की खेतरी लगाना, कलश की स्थापना करना, कन्या देवी का पूजन करना, प्रसाद रखना, माँ का अखंड दीपक जलाना। इस बार में एक दूसरी कोशिश करें, एक घी की अखंड ज्योति जलाएं, एक तेल की अखंड ज्योति जलाएं। घी की अखंड ज्योति पॉजिटिव एनर्जी के विकास के लिए, सरसों के तेल का दिया नेगेटिव शक्ति के विनाश के लिए, क्यों भी कोरोना की नेगेटिव शक्ति ने बहुत तंग किया। उसके पश्चात अगर आपने गुरु दीक्षा ली है तो उस गुरु, जो भी गुरु का मंत्र आपको मिला है अपने गुरुदेव से, उस मंत्र का जाप करें। पर इस नवरात्रि में श्री दुर्गा सप्तशती जी का पाठ सभी को करना चाहिए। आप कोशिश करें कि आप 3 चरित्र हैं तो आज एक चरित्र का कर लें, फिर दूसरे का कर लें, फिर तीसरे का कर लें, 9 दिन में 3 पाठ कर लें।